एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आसफपुर में स्थित पिपरिया गांव पड़ा। लगभग 2300 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 8 किलोमीटर दूर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 60 किलोमीटर ही है। रिजवाना मलिक गांव की वर्तमान प्रधान है। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 327 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 388 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 6 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 48 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसीकाइल्स रोड, खडंजे, विद्यालय में मरम्मत, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान के देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, बरात घर, कब्रिस्तान व शमशान घाट की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, खेल का मैदान, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति रईस अहमद, ग्राम पिपरिया, न्याय पंचायत सदर का ब्लॉक आसफपुर, तहसील बिसौली, जिला बदायूं। मैंने अपने यहाँ सीसी रोड, स्कूल की बाउंड्री और नाला खुदाई निर्माण अपना ईमानदारी से कार्य कराया और जो खामी लग गई है वो आए तो टाइम बचाए। मैं उसमें सीसी रह गई थोड़ी सी और नाला रह गया है और एक सबसे पहले एक बारात घर बनवाना चाहता हूँ और शमशान कब्रिस्तान की बाउंड्री, शमशान घाट की बाउंड्री, एक पार्क शमशान घाट में बनवाने की मेरी इच्छा है। अपने ईमानदारी से कार्य करूँगा, जो भी समय बका है वह आ गई, जो होगा उसके पास निष्पक्ष ईमानदारी के साथ अपना भविष्य में कार्य करूँगा।